वेलकम बैक टू माई चैनल रसोई की दुनिया। आज हम बनाएंगे अरवी की सब्जी। अरवी तो आप सभी जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे, लाल मिर्च, तेज पत्ते, पंचफोरन डालेंगे, साथ में हींग भी डाल देंगे। यह अरवी को मैंने धोकर अच्छी तरह से काट कर छील कर रख लिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए तेल में भुनेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। और ये मसाले हैं जिसमें मैंने ये पीली सरसों दरदरा कूट कर लिया हुआ है। आप मसाले किसी भी तरह का ले सकते हैं, इसमें हर तरह के मसाले चलते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। अरबी मोस्टली काली राई के मसाले में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये गोल्डन फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें सारे मसाले डाल के लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। हमें तेज़ आँच नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे। आपका यदि मन हो तो आप थोड़ी सी गरम मसाले डाल सकते हैं। आपको पता ही होगा सावन के महीने में अरबी की सब्जी किसी भी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है, तो ज़रूरत के अनुसार ही हम पानी डालेंगे, जितनी हमें नीड हो। अगर आपको सूखा बनाना है तो पानी थोड़ा कम डालेंगे, ग्रेवी वाला है तो ठीक ठाक पानी डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह ढक के बॉयल आने देंगे 10-15 मिनट अच्छी तरह, या फिर जितनी देर में वो कुक हो। पकाने के बाद हम इसे गैस बंद कर लेंगे और उतार लेंगे। अरबी की सब्जी तैयार है। आप चाहें तो इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको अरबी की सब्जी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।